नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से खबर, यूपी में आईएएस अफसरों के तबादले किए गए। लखनऊ से खबर सामने आ रही है और आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। आईएएस प्रणता ऐश्वर्या एडिशनल एमटी यूपीएसआरटीसी उनको बनाया गया है और आईएएस अमृत त्रिपाठी को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उनको बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण का सीईओ बनाया गया है। इसके अलावा प्रशांत शर्मा को विशेष सचिव ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। ज्ञानेश्वर त्रिपाठी को अपर आयुक्त आबकारी विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। आईएएस अफसरों के तबादले, लखनऊ से खबर सामने आ रही है, यूपी में आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। आईएएस प्रणता ऐश्वर्या एडिशनल एमडी यूपीएसआरटीसी उनको बनाया गया है और इसके अलावा आईएएस अमृत त्रिपाठी को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण का सीईओ बनाया गया है। प्रशांत शर्मा को विशेष सचिव ऊर्जा विभाग, ज्ञानेश्वर त्रिपाठी अपर आयुक्त आबकारी विभाग उनको बनाया गया है। और इसी खबर पर हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, क्या जानकारी सामने आ रही है, यूपी में आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं? देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण तबादला बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे सरकार जो बुंदेलखंड में बना रही है और उसके अलावा जो औद्योगिक गलियारा विकसित हो रहा है उसको लेकर एक बुंदेलखंड अथॉरिटी बनाने का निर्णय सरकार ने कैबिनेट की बैठक में किया था जी। उस बैठक के बाद आज वहां पर सीईओ की तैनाती कर दी गई है अमृत त्रिपाठी के रूप में। अमृत त्रिपाठी अभी विशेष सचिव थे नियोजन विभाग में और 1 जनवरी से वो सचिव रैंक में प्रमोट हो जाएंगे। तो ये साफ है कि जो बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण बनाया गया औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसका जो सीईओ होगा वो सचिव स्तर का अधिकारी होगा और अमृत त्रिपाठी इसके पहले सीईओ बनाए गए हैं मुख्य कार्यपालक अधिकारी। देखिए, इस अथॉरिटी के बनने के बाद से उम्मीद ये की जा रही है कि बुंदेलखंड के इलाके में उद्योग आएंगे और अथॉरिटी जमीने सस्ती जमीने मुहैया कराएगी, उद्योगपतियों को सुविधाएं मुहैया कराएगी और जो एक्सप्रेस वे बने हैं उनके किनारे कुछ नई योजनाएं टाउनशिप प्लान करेगी जिससे कि उद्योगों का विकास हो सके। तो आज के इस तबादले में सबसे बड़ा तबादला है। इसके अलावा परिवहन निगम यूपीएसआरटीसी में एएमडी का चार्ज दिया गया है। 2019 बैच के अफसर हैं प्रणता ऐश्वर्या और ज्ञानेश्वर त्रिपाठी को भेजा गया है अपर आयुक्त बनाकर आबकारी मुख्यालय इलाहाबाद में और इसी तरह सर प्रशांत शर्मा को विशेष सचिव ऊर्जा बनाया गया है। तो ये तबादले सामान्य, लेकिन इसमें सबसे बड़ा तबादला बुंदेलखंड अथॉरिटी को लेकर हुआ है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो देखिए, यूपी में आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, यूपी में आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। अगली खबर बलिया से है जहां पर